नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए दीपावली के अवसर पर भगवान को भोग लगाने के लिए लाई हूँ। रेसिपी से बनाया है और बहुत ही जल्दी बनने वाले भी हैं। ये दीपावली के अवसर पर इस मिठाई से भगवान को भोग लगाइए। ने हाफ कप सूजी लिया है, एकदम मेजरमेंट के साथ लीजिएगा। और हाफ कप ही मैं घी भी लूँगी। मैंने आप जिस भी कप से सूजी मापेंगे उसी कप से घी लीजिएगा। मैंने इस कप से मापा था, जो मैंने आपको दिखलाया उसी कप से मैंने हाफ कप घी भी लिया है। मैंने माप करके पहले से ही सब चीज़ों को निकाल दिया है। और इसमें हमें जब सूजी थोड़ी भून जाएगी तो हाफ कप से बस 2-3 चम्मच कम हमें इसमें बेसन डालना है। और साइड में हम चाशनी के लिए भी चढ़ा देंगे, इसके लिए भी हमें हाफ कप चीनी डालना है और उसमें 3-4 चम्मच पानी टेबलस्पून, जिसमें कि हमारी चीनी केवल थोड़ी सी डूब जाए उतना ही डालना है। साथ में इसे हमें लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये जले नहीं। और फ्लेम को एकदम स्लो रखना है, मीडियम, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रहने पर सूजी भुन तो जाएंगे, जल जाएंगे लेकिन भुनेंगे नहीं और अच्छी स्मेल भी उससे नहीं आएगी। इसे हमें एकदम स्लो फ्लेम पर हल्का थोड़ा रोस्ट होने तक भूनना है। उसके बाद फिर हम इसमें बेसन डालेंगे, क्योंकि बेसन जल्दी भून जाता है। इससे पहले हम सूजी को भून लेंगे थोड़ा, उसके बाद बेसन डालेंगे। फ्रेंड्स, बनाने में ये बहुत ही इजी है। इस दिवाली पर आप गणेश लक्ष्मी के पूजन में इस मिठाई से भोग लगाइए। घर से बनी घर की बनी हुई शुद्ध मिठाई है, एकदम सात्विक और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बनाया है मैंने। देखिए, मैंने इसी कप से नाप के हाफ कप चीनी डाला है और मैंने लगभग 4 चम्मच इसमें पानी डाल दिया है, जिससे कि मेरे चीनी केवल थोड़े से डूब जाए। उस चीनी को मैंने स्लो हीट पर रहने दिया है, उससे उसका भी हमें लगभग एक तार की चाशनी बनानी है। और इधर देखिए, मैं इसमें लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और अब मैंने लगभग हाफ कप से थोड़े से कम थे बेसन, इसे डाल दिया है। अगर आप मेजरमेंट भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाफ कप भी ले सकते हैं। अब हमें बेसन और सूजी को मिलाकर अच्छे से, जब तक इसकी खुशबू आने लगे तब तक भूनना है, लेकिन लगातार हमें चलाते रहना है, खुशबू आने लगे लेकिन इनका कलर डार्क नहीं हो, इनकी कलर सुनहरी ही रहे। इसमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है फ्रेंड्स, केवल थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स है, और हम सभी गृहणियों के पास तो वो होते ही हैं। मैंने साइड में उसे भी ऑन कर दिया है, जिसमें कि जब तक मैं भून के इसे थोड़ा ठंडा करूं तब तक हमारी एक तार की चाशनी बन जाए। और मैंने अब इसमें हाफ कप नारियल डालना है, नारियल का सूखा बुरादा मैं इसमें डालूंगी, डेसिकेटेड कोकोनट। लेकिन उसे बंद करने के बाद, इसके फ्लेम को बंद करने के बाद हमें यह और डालना है, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी भुन जाते हैं और इसमें इतनी हीट होती है कि नारियल अच्छी तरह से भुन जाए। अब देखिए, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और ऊपर से नारियल मिला दिया है, लेकिन फिर भी हमें इसे लगातार थोड़ी देर तक चलाते रहना है, क्योंकि जितनी हीट है उससे हो सकता है हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल जाएं। इसलिए इसे लगातार हमें 5-6 मिनट तक चलाते रहना है। और तो फ्लेम पर से उतार दिया था और थोड़ी देर चलाने तक उसे ठंडा होने दिया था। और अब देखिए, हमारी चाशनी भी लगभग एक तार की बन गई, इसलिए मैंने इस फ्लेम में शिफ्ट कर दिया था और उस फ्लेम पर मैंने उसे रख दिया है, क्योंकि हमारे वो पूरी तरह ठंडा हो गए हैं। और अब मैं इसे अपनी चाशनी को, जो हमारे इंग्रेडिएंट ठंडे हो गए हैं, सूजी, बेसन और नारियल वाले, उसमें मैंने चाशनी को मिला दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी बीच मैंने इसमें थोड़े से कार्डमम पाउडर भी डाल दिए हैं। कार्डमम पाउडर अवश्य डाल दीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा बारीक कतरा हुआ
आलमंड डालूंगी। और अब देखिए मैंने इसे कांच के प्लेट में, अगर आप कांच में डालना चाहते हैं कोई भी अल्मीनियम के बर्तन में तो उसमें भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतने घी है कि वो चिपकेंगे नहीं उसमें। अब हम इसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। चम्मच से मैंने इसे इवन कर लिया था। अब देखिए अब हमें, और स्पून से फिर एक बार हम इसे दबा देंगे जिसमें कि हमारे ड्राई फ्रूट इसके ऊपर चिपक जाए। स्पून से थोड़ा दबा दीजिएगा और देखिए अब थोड़ा ठंडा होने पर मैं इसे काट लूँगी और उसे सर्व कर देना है। देखिए ठंडा होने पर मैंने इसे चकोर काट लिया है और प्लेट में रख के सर्व किया है। गणेश लक्ष्मी के पूजन के लिए हमारी यह कोकोनट सूजी बेसन की बर्फी तैयार है। बनाना तो आपने देखा ही बहुत आसान है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर बन जाते हैं। मैं इसी तरह दिवाली की रेसिपी आपके साथ और शेयर करते रहूँगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।